हेलो मेरे साइंस के शौकीन फिजिक्स के आत्माओं आज हम बात करेंगे लाइट लाइट व्हाट इज लाइट होता क्या है लाइट फेनोमिन ऑफ लाइट फेनोमिन इन द सेंस बिहेवियर ऑफ लाइट योर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन डिफ्रैक्शन एंड सो मेनी मैनी इज देर ये सब डिस्कशन करेंगे तो आज एक ही सेशन में इन वन टॉपिक ल ट्राई टू कवर योर टॉपिक रिफ्लेक्शन तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम अश्विनी पाढ़ी टुडे इन टुडे विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिफ्लेक्शन इन वन शॉट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट टेकिंग मच टाइम फर्स्ट थिंग इज वॉट इज लाइट लाइट किसको कहेंगे देखो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी

अब आज के जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स अब ऑप्टिक्स हो गया दो प्रकार का एक तो हो गया रे ऑप्टिक्स दूसरा हो गया वेब ऑप्टिक्स वेब को छोड़ देते हैं अगले टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे आज डिस्कशन करते हैं हम रे ऑप्टिक्स अब रे ऑप्टिक्स होता क्या है देखो बेटा रे ऑप्टिक्स होता है हम ऑप्टिक्स का वो टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ पे हम लाइट को आज रे कॉन्सिडर करते हैं वेन वी डिस्कस

देखो ये जो ऑप्टिक्स का टॉपिक है हमारे पास जो जो मेजर फेनोमेना इन योर क्लास ट्वेल्थ एक होता है रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना एक होता है रिफ्लेक्शन फेनोमेना, दूसरा जो फेनोमेना है रिफ्रैक्शन आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्रैक्शन क्या है यूजिंग द रिफ्रैक्शन यू विल मेक लेंस यू विल सी द बिहेवियर ऑफ लाइट थ्रो रे थ्रो लेंस एंड ऑल्सो यू विल मेक सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मींस हम ये जो टॉपिक को थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे जो पहला पार्ट होगा रिफ्लेक्शन दूसरा होगा रिफ्रैक्शन तीसरा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विथ दीज थ्री टॉपिक्स विल विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर योर रे ऑप्टिक्स सो सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन योअर फास्ट लेट्स फोकस योर फास्ट पेनोमिना ह्ट इज रिफ्लेक्शन देखो व्वेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए सरफेस इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम दैट इज योर रिफ्लेक्शन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास टेंथ अबाउट योर रिफ्लेक्शन व्हाट इज रिफ्लेक्शन देखो हाउ यू डिफाइन व्वेन लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन द सर्फेस ए पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड और रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम और आप और इजी वर्ड्स में बोल सकते हो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन जब लाइट लाइट स्ट्राइक करेगा और आपके सेम मीडियम को रिटर्न आ जाता है उसी को ही आप कहते हो रिफ्लेक्शन अब अब डिस्कशन करते हैं उसकी सम टर्म्स रिलेटेड टू दैट देखो ये होता है मिरर, जहाँ पे लाइट आके फॉल होता है वह इंसिडेंट होता है जो लाइट आ रहा है दैट

इमेजिनरी लाइन दैट इज योअर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस अब कोई भी ऐसे लाइन हो सकता है जिसको आप क्या करोगे एक परपेंडिकुलर कोई सरफेस को ड्रॉ करोगे यू लास्ट सर वेट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट हम इसको याद क्यों रखेंगे नॉर्मल का रोल क्या है हमारे रिफ्लेक्शन में देखो बेटा रिफ्लेक्शन का रोल वेरी मेजर पार्ट मतलब आपके जो रिफ्लेक्शन में नॉट ओनली रिफ्लेक्शन रिफ्लैक्शन हर वो केसेस में नॉर्मल हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि ये जो एंगल बनता है जो रिफ्लेक्शन का एंगल चेंज होता है ये सब नॉर्मल को डिपेंडेंट होता है सरफेस पे नहीं होता है ओनली नॉर्मल सो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन जो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है किसको प्लेन को होता है समझ में आ रहे चलो आगे बढ़ते हैं ये जो एंगल बन रहा है ये जो एंगल बन रहा है देखो ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल अब ये जो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे इंसिडेंट एंगल ये हुआ इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल समझ में आ रहा रहा है है ये हो क्या रिफ्रेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल समझ में आ रहा है अब डिस्कशन करते हैं लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन दो लॉज है पहला लॉ ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल और द रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में रहेंगे सॉरी एक ही प्लेन में रहेंगे इंसिडेंट रे नॉर्मल अंडर रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन दैट इज द फास्ट लॉ अब अब इसको ना रिफ्रैक्शन में भी वही बोलोगे तो एक लॉ को आप तो याद ही रख लो बस वो ती, वो तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे आप पूछ सकते हो सर प्लेन क्या होता है अभी दो प्लेन का टर्म हम क्यों बोल रहे हैं देखो आप ये जो डिस्कस अबाउट योर पेपर आप कोई पेपर ले सकते हो व्हाइट बोर्ड ले सकते हो या तो ये बोर्ड भी ले सकते हो मान लो ये हो रहा है एक्स प्लेन तो ये हो रहा है वाई प्लेन अगर लाइट ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही जाएगा या तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा ये थर्ड प्लेन पे नहीं आएगा हाँ मान लो ये एक्स प्लेन है वाई प्लेन है एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा एक्स जेड प्लेन में ना तो आएगा ना तो वाई जेड प्लेन में आएगा वो सेम प्लेन में रहेंगे समझ में आ रहा है तो ये था फास्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन देखो दूसरा लॉ क्या होता है एंगल ऑफ इंसीडेंट्स इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसीडेंट्स बोथ विल भी सेम ये दोनों का एंगल्स इक्वल रहेगा दीज आर द टू लॉज ऑलरेडी ऑलरेडी आपको याद है फ्रॉम योर क्लास टेंथ चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी बढ़ते हैं देखो अब समर्म्स रिलेट टू रिमेम्बर सम टर्म्स जो आपको याद रखना पड़ेगा रिफ्लेक्शन समझने के लिए एक तो होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आप रिफ्लेक्शन को भूल जाओ जो डायरेक्ट जो डायरेक्ट थिंग्स यू आर सिंग वही होता है आपका ऑब्जेक्ट बिना रिफ्लेक्शन का जो भी आप सारे चीज़ों को देखते हैं वही होता है आपका ऑब्जेक्ट अब इमेज क्या होता है जब ऑब्जेक्ट मिरर पे पड़ता है फिर कोई कुछ भी बनता है दैट इज योर इमेज अब इसको साइंटिफिक वर्ड्स में कैसे लिखोगे द लाइट रेज मीट क्रिएट इमेज देखो मान लो ये यह मिरर यहाँ पे लाइट रेज पड़ा इसके बाद जहां पे वो इमेजेस फॉर्मेशन हुआ जहां पे सारे लाइट रे मीट करते हैं उसी को ही इमेज कहते हैं अब इमेज होता है दो प्रकार का एक होता है रियल इमेज दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज देखो बेटा रियल इमेज क्या होता है रियल इमेज द इमेज हुई कैन फॉर्म हुई कैन फॉर्म ऑन द स्क्रीन जो स्क्रीन पे बन सकता है आपके वॉल पे बन सकता है जहां पे मतलब मिरर से बाहर बन सकता है उसी को आप रियल इमेज कहोगे जो मिरर के पीछे रहेगा अब इसको ना बिहाइंड मिरर कह सकते जब हो जब बिहाइंड द मिरर होगा उसी को आप क्या कहोगे वर्चुअल बिहाइंड मिरर द इमेज हुई चीज बिहाइंड द मिरर, मान लो आपका प्लेन मिरर अब हमेशा जो भी आपको आप, आप डेली देखते हो मिरर जब आप खुद को मिरर में देखते हो आपको हमेशा पीछे ही दिखाई देता है मतलब आपका हमेशा आपका प्लेन मिरर विल बी वर्चुअल इमेज हम डिस्कशन करेंगे प्लेन प्लेन मिरर क्या होता है और उसके इमेज का प्रॉपर्टीज भी डिस्कशन करेंगे चलो अब अगर यहां तक समझ में आ गया जल्दी जल्दी जल आगे बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट होता है सम टर्म्स टू रिमेंबर व्हाट इज मिरर मिरर क्या होता है मिरर इज ए हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस इंसिडेंट लाइट कैन गेट रिफ्लेक्टेड जहां पे मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो सकते हैं उसी को ही कहते हैं मिरर समझ में यार आप पूछ सकते हो सर जो हम घर में देखते हैं वही मिररर है ना ही जहां, जहां पर भी आप अपना मोबाइल के स्क्रीन में भी देख सकते हो अगर टीवी स्क्रीन में भी कभी, जब जब बंद होता है कुछ भी पार्ट ऑफ द इमेज आपको दिखाई देता है वो भी आपको मिररर हो सकता है जहां पर मैक्सिमम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड हाँ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विथ हैचेस देखो यहाँ पे मिरर अभी हो गया है दो प्रकार का एक होता है प्लेन मिरर एक होता है स्पेरिकल मिरर प्लेन मिरर क्या होता है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन मान लो ये है मोबाइल इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन अब इसको ना प्लेन मिरर कहेंगे सरफेस इज प्लेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन हुज रिफ्लेक्टिंग द मिररर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिररर अब स्पेरिकल मिररर या तो कॉर्ड मिररर दो प्रकार का होता है देखो स्पेरिकल मिररर क्या होता है स्पेरिकल मीन्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉर्ब मतलब वो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है दैट इज योर स्पेरिकल मिरर जो जो ऐसे होता है इसको हम क्या कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर इसको क्या कहेंगे कॉनकेव मिरर इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर समझ में आ रहा है तो स्पेरिकल मिरर टू टू टाइप्स आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा बेटा ये आप जब वेन आई वेन आई एम डिस्कसिंग आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एल्स आई विल शेयर द पी डी एफ इन द कमेंट सेक्शन आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो जहाँ पे मैं हर वो चीज़ का नोट्स अपलोड करता हूँ आप वहाँ पे डायरेक्टली ये जो जो भी क्लास होगा अब इसका पी आपको कमेंट सेक्शन के नोट्स में मिल जाएगा और आपको मुझे और एक चीज का आ, प्रोमिस करना होगा नीड टू सी द कम्प्लीट वीडियो आप वहां पे कहीं पे स्किप मत करो पूरा वीडियो इसको देखो और और जहां पे भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखो लिखने से मुझे मुझे पता चलेगा कि मुझे और कौन से टॉपिक में और डीपली जाना चाहिए समझ में आ रहे सो आई रिक्वेस्ट डू वॉच इच द इच एंड एवरी लाइन कहीं पे स्किप मत करो पूरा देखो और वो कमेंट सेक्शन में लिखो जहां समझ में आ रहा है नहीं भी आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखो चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी दे. देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर हम पढ़े मिरर दो प्रकार का एक होता है प्लेन मिरर दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर प्लेन मिरर हम हम अभी 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 इमेज फॉर्मेशन करेंगे पहला मिरर प्लेन मिरर में करेंगे देखो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होता है देखो प्लेन मिरर होता है मैं बोला द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देखो ये जो पीछे में बनाना ना मैं सेट कर रहा हूँ मीन्स पीछे कलर कर रहा हूँ जहाँ पे वो हर लाइट को ऑब्जर्व करेगा आगे क्या करता हूं आगे वो प्लेन है जहां पे वो रिफ्लेक्ट करेगा तो मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सामने होता है प्लेन पीछे होता है सेडेड ये होता है सेडेड मीन कॉलर किया गया है। चलो प्रॉपर्टीज इमेज फॉर्मेशन भाई पहला पढ़ेंगे क्या होता है प्लेन मिरर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होने से क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है पहला होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट मैं बोला था जो भी इमेज आपके मिरर के पीछे बन रहा है सपोज आप ऐसे मिरर देख रहे हो इसके पीछे इमेज बन रहा है तो इसको वर्चुअल कहेंगे एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट देखो ये दोनों टर्म ना हमेशा साथ ही साथ रखो वर्चुअल इरेक्ट रियल एंड इनवर्टेड मीन्स अगर ये होता है रियल ये होता है इन्वर्टेड ऑफ साउट डाउन हो जाता है इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है आप मान लो ऐसे देख रहे हो तो आपको क्या होगा ना लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट दिखाई देगा ये आपका वर्चुअल देखो सेम साइज देखो यहां पे है ऑब्जेक्ट मान लो ये राम है सपोज एक्स वाइज़ सपोज एक्स है ये जो भी इमेज है ये मान लो एक्स से इमेज तो ये दोनों सेम साइज में होंगे इसका जितना बड़ा सर होगा इसका भी उतना बड़ा सर होगा तो यहां पे इमेज भी उतना ही साइज होगा समझ में आ रहे लेटरली इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड अभी मैं समझाया जैसे कि मेरा राइट हैंड इमेज में लेफ्ट दिखाएगा मेरा लेफ्ट मिरर पे लेफ्ट दिखाएगा दैट इज यो लैटरली इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट एंड मिरर इक्वी डिस्टेंस ये ये मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे होगा ये ये इमेज ऑब्जेक्ट से उतना ही दूरी पे होगा समझ में आ रहा है हमेशा यू इक्वल टू भी यू इक्वल टू भी मींस ऑब्जेक्ट इक्वल टू

एग्जाम में आता है नीट के एग्जाम्स में आता है जेई के एग्जाम्स में ये दो प्रकार का क्वेश्चन आ सकते हैं देखो, पहला क्या होता है? देखो, क्या होता है? जब आपके पास जब आपके पास देखो ये था मिरर ये था आपका इंसिडेंट जब लाइट रे आ रहा है इस तरफ से जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए ऐसे आया था ऐसे तो जाना चाहिए ऐसे बट यहाँ पे एक मिरर है जिसके वजह से वो अपना पाथ इस तरफ से जा रहा है तो अपने पाथ से वो कितना डेविएट हुआ जाना चाहिए था ऐसे गया वो ऐसे तो वो इतना पाथ में डेविएट हुआ ये जो एंगल का डेविएशन हुआ इसको कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन बोलो मुझे समझ में आ रहा है बोलो समझ में आ रहा है तब मैं आगे बढ़ूंगा देखो जब ये था पाथ जाना चाहिए था ऐसे यहां से ऐसे जाना चाहिए था ये था इंसिडेंट यहां से ऐसे जाना चाहिए था पर गया ऐसे बिकॉज यहाँ पे कुछ डेविएशन हुआ इसी को ही कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन आप पूछोगे सर कितना डेविएट हुआ अच्छा मुझे बोलो ये है लाइन यहाँ से यहाँ कितना एंगल होगा वन एट्टी डिग्री ये हमको पता है वन एट्टी डिग्री अगर वो गया ऐसे तो मैं क्या करूँगा मान लो ये थिट्टा तो ये लिखूंगा मैं वन एट्टी माइनस थिट्टा बोलो समझ में आ रहा है देखो अगर ये थिटा तो ये कितना है ये है आई प्लस आर आई प्लस आर बस मैं वही तो लिखा हूं डेल इक्वल टू तो वन एट्टी माइनस आई प्लस आर यही तो लिखूंगा डेल इक्वल टू डेल इक्वल टू योर देखो डेल इक्वल टू वन एट्टी माइनस थीटा यही तो है वन एट्टी माइनस थीटा अब थीटा क्या है आई प्लस आर तो लिखा वन एट्टी माइनस आई प्लस आर अच्छा हमको और एक चीज पता है

सपोज ये एक मिरर है ये एक रिफ्लेक्शन हो रहा है हा? कितने एंगल पे मान लो ये फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पे हम्म, मैं बड़ा सा करता हूं यहां पे स्पेस नहीं हो रहा इसको हटा देता हूं हा? चलो आई एम गिविंग वन को वन क्वेश्चन, सपोज एक ऐसा भी एग्जांपल दे सकता हूं हा? मैं यहां पे एग्जांपल्स दे रहा हूं आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल सपोज सपोज दिस इज अ मिरर मैं ऐसे बनाता हूँ सपोज दिस इज अ मिरर दिस इज द इंसिडेंस हुच इज मेकिंग एंगल विद द नॉर्मल सपोज थर्टी डिग्री बना रहा है हाँ सपोज थर्टी डिग्री एंगल बना रहे हैं तो ये होगा उसका रिफ्लेक्शन तो ये कितना होगा ये भी होगा थर्टी डिग्री ये होना चाहिए था पाथ ये होगा डेल अब पूछोगे सर डेल क्या होगा डेल इक्वल टू वन एट्टी माइनस थर्टी प्लस थर्टी तो वन एट्टी माइनस टू इंटू थर्टी डिग्री So, so, ट हो रहा है वन ट्वेंटी डिग्री का डेभियेट होता है बोलो समझ में आ गया इजी था सर क्वेश्चन ईजी था सर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे आगे बढ़ते हैं यहां देखो आगे है इमेज फॉर्मेशन बाई टू मिरर्स ये होता है दूसरा फॉर्मूला अब यहाँ पे आता है दूसरा फॉर्मूला प्लेन मिरर का फास्ट फार्मूला था फास्ट फॉर्मूला था योर डेल दूसरा आता है नंबर ऑफ इमेजेस नंबर ऑफ इमेज क्या होता है देखो बेटा आप, आप तो पार्लर तो आप, आप सामने, या सामने एक मिरर है पीछे एक मिरर है, है आप देखते हो जब सामने देखते हो पीछे 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 और पीछे बहुत सारे इमेजेस दिखता है दिखाई देता है मान लो वो जो मिरर है कभी ऐसे 90 डिग्री में होता है मान लो ये, ये एक दर्द ये एक दीवार है यहाँ पे मिरर लगा है ये साइड में ऐसे यहां पे भी मिरर है अगर आप ऐसे देखते हो कॉर्नर में तो कितने नंबर ऑफ इमेज सपोज देखो मैं ऐसे बोलता हूं सपोज ये एक मिरर हुआ ये एक मिरर हुआ ये दोनों मिरर हुआ आप यहाँ पे खड़े हो आप यहाँ पे खड़े हो तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन सकता है आपका आप यहां पे देखोगे तो इमेज बनेगा यहाँ पे देखोगे भी बनेगा तो टोटल का दो इमेज बनेगा दैट इज द कॉन्सेप्ट इमेज फॉर्मेशन बाई टू मिरर्स वेन टू प्लेन मिररर्स इनक्लाइंडा देखो यहां पर मिरर है एंड यहां पर मिरर जो एंगल बनाए हैं देखो यहां पर थिट्टा एंगल बनाए हैं यहाँ पे वो थिट्टा एंगल बनाए हैं ये जो है एक ऑब्जेक्ट है ये जो है एक ऑब्जेक्ट है इन बिट्वीन दो मिररर्स नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैंट नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड इफ दीज टू इमेजेस एट एंगल थीटा देखो यहां के लिए टोटली दो है देखो दो फॉर्मूला फॉर्मूला वन या नहीं तो ये अब यहां से एक फॉर्मूला लगा सकते हो आर इसको लगाओगे थ्री सिक्सटी बाई थीटा या थ्री सिक्सटी बाई थीटा माइनस वन मैं बता देता हूं वेन विल यू अप्लाई देखो एन इज द नंबर एन इज द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस एन विच इज इक्वल टू थ्री सिक्स बाई कितना एंगल बनाया था मैं नाइनटी बनाया था uh, कितना एंगल बनाया था मैं नाइनटी डिग्री बनाया था बिकॉज दो दरबार जो जो दीवार जो जहां पे कनेक्ट होते हैं दो वाल्स जहां पे कनेक्ट होते हैं वो तो नाइन्टी डिग्री होता है ना तो इसलिए मैं यहां पे थीटा को नाइन्टी लिया हूं तो नाइन ये हो रहा है फोर फोर नंबर ऑफ इमेजेस दिखा रहा है देखो Four is, ए, फोर इज आप पूछोगे सर दो फॉर्मूला फोर है तो मैं कौन सा यूज करूंगा इन दिस केस व्हाट यू कैन डू यू हैव टू यू यू हैव हैव टू फॉर्मूलाज एन हो सकता है इवन एन हो सकता है ऑड एन हो सकता है इवन एन हो सकता है एन अगर ऑड आता है तो आप सिंपली लिखोगे थ्री सिक्सटी बाई थीटा एन अगर इवन है तो थ्री सिक्सटी बाई थीटा माइनस वन देखो ये है आपका इभिन वाला ये है आपका ऑड वाला जब आपका एन ऑड आ जाता है तो आपको बस थ्री सिक्सटी माइनस थीटा लेकर मान लो यहाँ पे फाइव आता तो फाइव होता नंबर ऑफ इमेजेस पर यहां पे फोर आया है तो फोर माइनस वन विल बी द थ्री विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस समझ में आ रहा है मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको समझा दिया ये दोनों मिरर है, दोनों का एंगल है 90 डिग्री तो आपके पास क्या आया 360 सिक्सटी बाई नाइन्टी आपके पास फोर आया फोर एक होता है इवेन फोर इज इवेन सो फोर माइनस वन थ्री इज द नंबर ऑफ इमेज दैट कैन फॉर्म बिटवीन टू इमेजेस, बिटवीन द टू मिरर्स इफ़ दे आर एट एंगल नाइन्टी डिग्री बोलो समझ में आया टोटली दो प्रकार का क्वेश्चन एक तो होता है डेल निकालो दूसरा होता है नंबर ऑफ इमेजेस निकालो चलो चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हा? तो इसके साथ खत्म होता है प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर एंड जो प्लेन मिरर आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई स्पेरिकल मिरर फास्ट था आपका अप, इमेज बाई इमेज बाई फास्ट था प्लेन मिरर दूसरा है आपका स्पेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर समझ में आ गया अब प्लेन मिरर स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा स्पेयरिकल मिरर दो प्रकार का हुआ एक तो हुआ कॉनकेव मिरर दूसरा हुआ कॉन्वेक्स मिरर अब कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे कॉन्वेक्स कौन, मिरर किसको कहेंगे कॉनकेव मिरर इज योर द मिरर मिरर हुज बोला था हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉर्ब बट इन दिस केस कॉर्बड इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉर्ब्ड इनवर्ड इन वर्ड देखो ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है इन वर्ड इन वर्ड क्या होता है देखो ये जो है मिरर, ये मैं पीछे सेडेड कर देता हूं हा? ये कॉर्ब इनवर्ड देखो अंदर के तरफ गए हैं इनवर्ड गए हैं तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा कॉनकेव मिरर द मिरर हुज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्ड इनवर्ड देखो बेटा कॉन्वेक्स किस होगा इसका उल्टा हाँ कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड देखो यहां पे आउटवर्ड हो रहे आउटवर्ड बस वही चीज लिख दो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉर्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड योअर कॉन्वेक्स मिररर नाउ विल डिस्कस सम टर्म्स हुई रिलेटेड टू दिज टू मिरर्स हाँ समर्म्स रिलेटेड टू दिस टू मिरर्स देखो टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिररर फर्स्ट इज यचर आप कॉर्ड मिररर को याद रखने के लिए आपको सम टर्म्स यू नीड टू रिमेंबर तभी जाके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है फर्स्ट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है टू डिस्कस अबाउट योर कॉर्ड मिरर या तो स्पेरिकल मिरर आपको ये सारे चीजों को याद रखना पड़ेगा फर्स्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर हाउ यू डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यू हैव टू मिरर दिस इज योअर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज योर कॉनकेव मिरर हाउ यू डिफाइन द मिरर मीर इज ए पार्ट ऑफ स्पीयर एंड दीस मीर इज ए पार्ट ऑफ स्पीयर हुईच हेज ए सेंटर हेज ए सेंटर एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड युअर सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ कॉर दिस मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पीयर विच आज ए सेंटर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट योर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ये हुआ सेंटर ये हुआ स्पीयर ये हुआ आपका स्पीयर ये हुआ आपका स्पीयर अगर अगर ये स्पीयर का कोई भी पार्ट में ये पार्ट ले सकता हूँ ये पार्ट हो सकता है ये पार्ट हो सकता है कोई भी एक छोटा सा पार्ट हो सकता है समझ में आ रहा है कोई भी एक पार्ट हो सकता है आ? कोई भी एक पार्ट हो सकता है देखो देखो ये हुआ आपका स्पीयर ये हुआ आपका स्पीयर ठीक स्पीयर का मैं कोई भी पार्ट यहां से यहां ले सकता हूं यहां से यहां ले सकता कोई भी पार्ट लेता हूं बस उसी को भी मैं क्या कहूंगा स्पेरिकल मिरर कहूंगा मिरर का मैं कोई भी पार्ट को मैं स्पेरिकल मिरर कह सकता हूं देखो नेक्स्ट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ये हुआ आपका सेंटर सेंटर टू मिरर तक का डिस्टेंस सेंटर टू मिरर तक का डिस्टेंस को मैं रेडियस कहूंगा यहां पे देखो सेंटर टू मिरर सेंटर टू मिरर दैट इज कॉल्ड योर दैट इज कॉल्ड योर दैट इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर टू मिरर का डिस्टेंस को मैं रेडियस रेडियोसर कहूंगा देखो भाई देखो पोल क्या होता है पोल क्या होता है यही होता है पोल पोल इज द सेंटर ऑफ दैट मिरर मिरर का सेंटर को मैं पोल कहूंगा मिरर का सेंटर को मैं पोल कहूंगा ये था मिरर इज अच्छा नेक्स्ट रेडियस द डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू मीर सेंटर टू मीर पोल क्या होता है सेंटर ऑफ मीर सेंटर ऑफ द मीर इज ए पोल प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पोल द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग

पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट आर्ट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकस नेक्स्ट होता है फोकल लेंथ क्या होता है देखो फोकल लेंथ क्या होता है फोकल लेंथ होता है फोकस टू पोल का डिस्टेंस ये होता है फोकस टू पोल का डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ यहां पे भी फोकस टू पोल का डिस्टेंस इसको कहेंगे फोकल लेंथ समझ में आ रहा है अच्छा लिख देता हूं डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एफ प्रिंस पी टू एफ इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ अपेचर क्या होता है देखो अपेचर होता है द लेंथ ऑफ द मिरर आप लिख सकते हो और द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो ये है मिरर ये है मिरर इतना जो पार्ट है इसको अपर्चर कहेंगे अपर्चर ऑफ द मिरर अब इसको लिखता हूं द लेंथ ऑफ मिरर और द डायमीटर द डायमीटर ऑफ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर दैट इज कॉल्ड योर अपेरचर ये था सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू योर सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू योर स्पेरिकल मिररर पहले पढ़े हम प्लेन मिरर फिर स्पेरिकल मिररर एंड दोज टर्म्स विच आर नेसेसरी टू रिमेम्बर बिफोर एंटरिंग टू द रिफ्लेक्टिंग योर बिहेवियर ऑफ लाइट इन स्पेरिकल मिररर आगे बढ़ते हैं कार्टिशियन साइन कॉन्वेंशन कार्टिशियन साइन कॉन्वेंशन ऑफ अ मिरर देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है दिस मीन्स आप यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे वैल्यूज लेना होता है दिस कार्टेशियन साइन रिप्रेजेंट्स आप किसको पॉजिटिव लोगे किसको नेगेटिव लोगे कहाँ पे लोगे ये सब को आपको एक एक ब्रीफ आइडिया देता है कार्टिशियन साइन इसको याद रखने के लिए आप एक ना एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो ये और जो भी डिस्टेंस मेजर होगा सारे पी से मेजर होना शुरू करेगा ठीक जो भी मेजर होगा सारे ये पी से होगा ऑल डिस्टेंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पोल अच्छा इस तरफ अगर हम जाते हैं इस तरफ जाते हैं तो ये आपका यू तो नहीं हो सकता ओनली भी हो सकता भी होगा पॉजिटिव अगर हम पी से एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं अच्छा अगर पोल से नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाते हैं तो u आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो यहां पे u होता है डिस्टेंसेस विच इज योर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V होता है आपका इमेज डिस्टेंस ये होता है आपका इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव एक्सिस भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस यू भी बोथ नेगेटिव एंड और एक चीज याद रख लो यू ऑलवेज नेगेटिव यू ऑलवेज नेगेटिव यू ऑलवेज हर वो केसेस में यू नेगेटिव यू पॉजिटिव हो ही नहीं सकता अच्छा वाई एक्सिस में अगर जितना ऊपर जाओगे हाइट विल बी पॉजिटिव नीचे आओगे हाइट विल बी नेगेटिव पोल से ऊपर हाइट पॉजिटिव पोल से नीचे हाइट नेगेटिव पोल से राइट पोल से एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका होगा पॉजिटिव आपका भी पॉजिटिव पोल से लेफ्ट तरफ जितना जाओगे नेगेटिव एक्स एक्सिस को जाओगे आपका क्या होगा यू एंड भी नेगेटिव होगा चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट रे डायग्राम सो यहां से एक्चुअल टॉपिक शुरू होता है एक्चुअल टॉपिक बने जो डीप ऑफ दिस टॉपिक रिफ्लेक्शन का यहां से शुरू होता है रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा फोर रूल्स मेनली फॉलो करना पड़ेगा दिस चार अगर ये चार रूल को आपको याद रह गया देन यू कैन ड्रॉ ऑल द रे डायग्राम रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन आप रिफ्लेक्शन को रिलेट करके हर वो रे डायग्राम कर सकते हो नॉट ओनली रिफ्लेक्शन आपका रिफ्लेक्शन ड्यू टू अब लेंस का क्वेश्चन भी रे डायग्राम लेंस का भी कर सकते हो अगर आपको ये चार लॉज समझ में आएगा देखो चार रूल्स होता क्या है देखो चार रूल्स रूल नंबर वन मैं लेफ्ट की तरफ लिया हूं इंसिडेंट को राइट right के तरफ लिया हूं मैं रिफ्लेक्शन को अगर रे पारल टू प्रिंसिपल एक्सिस देखो मैं दो केस भी यहां पे ले लेता हूं आ, दो केस यहां पे लेता हूं मैं कॉनकेव इस तरफ लेता हूं मैं कॉन्वेक्स ठीक सपोज कोई भी रे पारल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर अगर मैं रे को इसे पारालाल लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस एस ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ रे आपका पारालाल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा क्या इफ रेज पारलाल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा क्या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट थ्रो एफ वो एफ के जाएगा आप बताओ मैं अभी डिस्कशन किया था अगर ये हुआ आपका स्पीयर आपके कॉनकेब के लिए प्रिंसिपल आपका फोकस किस तरफ होगा लेफ्ट में होगा कॉन्वेक्स के लिए फोकस आपका राइट की तरफ होगा हाँ कॉनकेब के लिए लेफ्ट के तरफ कॉन्वेक्स के लिए राइट right की तरफ होगा तब का फोकस यहां होगा इसका फोकस यहां पे होगा सब बोलो समझ में आ रहा है वेन द रे इज पार देन इट विल पास थ्रू द फोकस बोलो फास्ट रूल समझ में आ रहा है इंसिडेंट इज पार देन रिफ्लेक्शन इज थ्रो फोकस इंसिडेंट इज पार देन इट इज योर थ्रो फोकस बोलो समझ में आ रहा है When incident is parallel, then it is throw focus. अब जाते हैं दूसरा लॉ को ई उसका उल्टा कर दो बस पारालाल था फोकस देके गया था अगर वो फोकस देके आएगा तो प्रिंसिपल एक्सेस देके जाएगा बस उसका उल्टा कर दो बस उसको उल्टा कर दो अगर कोई भी रे ये हुआ आपका फोकस फोकस दे के आते हैं ऐसे फोकस दे के मान लो आता है तो ऐसे चले जाएंगे फोकस दे के आएंगे देखो यहां पे, यहां पे हुआ फोकस अगर कोई भी ऐसे फोकस देके आते हैं वो ऐसे चले जाएंगे हाँ ये होता है दूसरा लॉ फोकस दे के जाएंगे। फोकस जाएंगे के आएंगे तो पारालाल जाएंगे बोलो बोलो दोनों लॉ समझ में आ गया तो अभी तीसरे लॉ पे जाते हैं इसको मैं हटा देता हूं ये था वन ये था दूसरा लॉ अभी समझते हैं तीसरा लॉ इस तरफ मैं करूंगा कॉन्केव इस तरफ करूंगा मैं कॉन्वेक्स रेज थ्रो सी हाँ ये तीसरा लॉ ठीक अच्छा ये अगर फोकस तो ये होगा सेंटर अगर कोई भी रे ऐसे जाता है सेंटर देके सेंटर देके जाता है तो सेंटर देके वो लौट भी जाएंगे देखो सेंटर देके आता है तो सेंटर देके चले जाएंगे सिमिलरली यहां पे देखो ये हुआ मान लो फोकस ये हुआ सेंटर अगर कोई भी रे ऐसे फुक सेंटर से आते हैं सब सेंटर देके के ही लौट जाएंगे तो इट विल सेम बस सेम वही वही पाथ होगा पाथ में कोई फर्क नहीं आएगा अब फोर्थ लॉ, रे इंसिडेंट ऑन पी पी देखो कोई भी रे मान लो ये है पी ऐसे पी पे पड़ता है हाँ इब रे इंसिडेंट ऑन पी होगा क्या रिफ्लेक्ट मेकिंग एंगल आई इक्वल टू आर अगर वो पी पे पड़ेंगे कोई ये हुआ इंसिडेंट अगर पी पे पड़ेंगे ये हुआ एंगल ऑफ आई देने वो एंगल आर बना के सेम एंगल पे निकल जाएंगे देखो यहां पे क्या हो रहा है अगर एसे पी पे पड़ेंगे तो वो एसे निकल जाएंगे तो ये पोल पे वो प्लेन मिरर के तरह बिहेव करेंगे पोल पे वो प्लेन मिरर के तरह बिहेव करेंगे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर कहीं पे भी आपको डिफिकल्टीज लगता है कहीं भी मुझे आपको प्रॉब्लम होता है आप डू कमेंट ऑन द सेक्शन आई विल शेयर यू ऑल्सो व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम कनेक्शन दे आर यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड आप मुझे प्रोमिस करोगे जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा यू विल कम्प्लीट दोाइनमेंट एंड एंड यू विल्ड बैक टू मी आई विल चेक दोज असाइनमेंट्स अगर आप इतना कर सकते हो तो आप मेरे साथ जुड़ो एंड एंड यू डू कनेक्ट विथ हर्स हम ऑनलाइन में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे सारे सारी चीज़ों को कवर करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होता है अगर हमारे पास रूल्स आ गया अब हम क्या कर सकते हैं ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम फॉर कॉन्केब मिरर एक होता है कॉनकेव मिरर इसके लिए रे डायग्राम्स करेंगे दूसरा क्या करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डाइग्राम करेंगे ये मैं नहीं करने वाला आई विल टेल यू द रूल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रूल्स मैं दो चार कर दूंगा बाकी आप अपने आप से करूंगा कैसे करना है आई विल गाइड यू समझ में आ रहा है कैसे करना है आई विल गाइड यू आपको मैं एंड यू नीड टू डू दैट यू विल सेंड बैक टू मी समझ में आ रहा है आप वो करके मुझे भेजना ठीक आगे बढ़ते हैं नाउ रे डायग्राम फॉर ए मिरर मैंने इसको करने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं ठीक यहां पे लिखता हूं मैं केस केस वन ये हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट आठ इन्फेनाइट ठीक ऑब्जेक्ट एट इन्फेनाइट यह आपका यह हुआ अब डायग्राम करोगे यहां पे, यह हुआ case, यहां पे आप डायग्राम करोगे यहां पे आपको कॉन्क्लूजन लिखना है यहां पे आपको कॉन्क्लूजन लिखना है. बस ये तीनों ही करो और ज्यादा नहीं हाँ ये तीनों करो केस टू क्या होगा ऑब्जेक्ट 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 आपका ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी बिहाइंड सी तीसरा क्या होगा ऑब्जेक्ट आर्ट सी फोर्थ क्या होगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ फिफ्थ क्या होगा वन हुआ वन टू थ्री फोर फाइव हाँ ऑब्जेक्ट आर्ट एफ सिक्स्थ बोला होगा ये होता है कॉनकेव मिरर हाँ ये मिरर का हम बना रहे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ हाँ अच्छा ऐसे मैं एक कर देता हूं ठीक मैं कोई भी एक बना देता हूं ऐसे बना दो टेबल इसके अंदर आप इमेज अब अब इमेज तो थोड़ा कम स्पेस दिया हूं आप यहां पे इसके नीचे हेडिंग करके फिगर बनाना है ऐसे बनाना है ये तो कॉन्फिक्स हुआ सपोज मैं इसको बनाता हूं इसको मैं बाहर बनाता हूं यहां पे बनाता हूं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी सपोज दिस इज योर कॉनकेव मिरर ये आपका हुआ कॉनकेव मिरर ये आपका हुआ कॉनकेव मिरर ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस मैं क्या बोला रेज एट इंफिनिट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट मीन्स दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर इन्फिनिट में होंगे तो ऐसे पैरेलल आएंगे पार्लल लेंगे हम इसे पूरा ड्रॉनिंग करेंगे देखो वेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफेनाइट वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फेनाइट ये हुआ इंसिडेंट रूल नंबर वन क्या था रेज पार्लल दे विल मीट एट फोकस दे विल मीट एट फोकस तो ये होगा फोकस ये होगा सेंटर बोलो समझ में आ रहा है अब इसका कंक्लूजन में इसको ना यहां पे बनाना इसको यहां पे बनाना इसके अंदर फिर कंक्लूजन लिखना है ठीक कंक्लूजन में क्या लिखना है मैं इसको सही से बना देता हूं देखो आपको जो टेबल बनाना है यहां लिखो सल सीरियल नंबर यहां लिखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आठ यहां लिखो कंक्लूजन ठीक ऐसे बनाओ यहाँ पे ऐसे बड़ा सा स्पेस दो सीरियल नंबर वन यहां पे ऑब्जेक्ट आर्ट इन्फेनाइट तो यहां पे इमेज बनाओ ऑब्जेक्ट आर्ट इन्फेनाइट ठीक ये हुआ फोकस यहाँ पे कंक्लूजन हमको क्या मिला देखो कंक्लूजन मिला दिस इज योर रियल एंड इन्वर्टेड दूसरा फिर सेकेंड मिलो साइज साइज इज डिमिंस्ड मींस तो इसमें लिखना क्या है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड दूसरा इज योर डिमिंसड साइज लिखो फिर फिर सेकेंड फिर बनाओ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बियॉन्ड सी फिर थ्री फिर क्या होगा आर्ट सी फिर क्या होगा फोर्थ फोर्थ में क्या होगा बिटवीन सी एंड एफ फिफ्थ क्या होगा आर्ट एफ सिक्स्थ क्या होगा बिटवीन पी एंड एफ हाँ ये सब ये बनाना और ये कंक्लूजन लिख के योर टास्क इज यू नीड टू सबमिट यू नीड टू सबमिट इट हाँ आप इसको ना पूरा टेबल बनाओगे कॉनकेब मिरर के इससे पूरा टेबल बनाओगे ये देखोगे सीरियल नंबर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड कंक्लूजन व्हाट यू हैव गॉट क्या कंक्लूजन मिला सिमिलरली सेकंड फिगर बनाओगे कंक्लूजन क्या मिला थर्ड फिगर बनाओगे कंक्लूजन क्या ऐसे बना के मुझे मुझे आप सेंड करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर वो था कॉन्के मिरर मिरर में केसेस होता है वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर में ओनली टू केसेस यू विल गेट ज्यादा नहीं बस दो केसेस आपको मिलेगा देखो दो केसेस क्या होता है एक होता है केस आपका आर्ट हाँ आर्ट इनफिनिट ये होता है नियर टू मिरर नियर एक होता है आटमिन इन्फिनिटी दूसरा होता है नियर मिरर, ठीक यहाँ पे आपको इमेज बनाना है यहाँ पे आपको इमेज बनाना है यहाँ पे आपको कॉन्क्लूजन लिखना है क्या मिला यहाँ पे आपको कॉन्क्लूजन लिखना होगा समझ में आ रहा है सो दिस इज व्हाट नीड टू डू एंड नीड टू सेंड इट टू मी चलो जल्दी जल्दी जल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होता है रिलेशन यहाँ पे आ गया न्यूमेरिकल के पार्ट न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन इसके साथ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन के साथ टॉपिक कवर होगा चलो जल्दी जल्दी जल आगे बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ मैं अभी बोला था आर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ क्या होता है फोकल लेंथ देखो यहाँ पे दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ तो ये रिलेशन उनका है आर इक्वल टू टू यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास टेन टेंथ में आपके पास डायरेक्ट फार्मूला था अब आपके पास डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करोगे आप डेरिवेशन करोगे क्यों डेरिवेशन करोगे अब आप बड़े बच्चे बन गए यू आर इन क्लास ट्वेल्थ तो आपको ना हर वो चीज़ का डेरिवेशन करना था तब आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन था ना यू हैव सफिशेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सो व्हाट यू कैन डू आप कनके तो कॉन्वेेक्स मिररर लो लुकटर फ आपका एनसीआर टी से लिया गया है ठीक है मैं इसको बनाता हूं नहीं तो क्लियरली फिगर को देखो नहीं तो ये फिगर में ही करता हूं देखो ये होता है आपका कॉनकेब मिर सपोज दिस इज योर कनके मिरर पीछे हुआ है आपका सेडेड हाँ लाइन द रे इज दिस रे इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो यू नो अगर रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कैसे जाएगा वो फोकल देखे जाएगा रूल नंबर वन से पढ़े थे रे पैरल थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस अच्छा मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ आपने ना ऑलरेडी सर्कल पढ़ा हुआ है सर्कल में ये मान लो ये एक सर्कल है हुँ? अपने सर्कल पढ़ा हुआ है सर्कल में ये जो रेडियस होता है ना हमेशा वो आपका परपेंडिकुलर होता है किसको आपको टेंजेंट को हर वो पॉइंट टे पे टेंजेंट को रेडियस परपेंडिकुलर होता है आ? ये आपने पढ़ा हुआ है इसमें कोई नया चीज़ नहीं है पढ़ा हुआ है तो ये जो रेडियस बन रहा है ना ये हुआ आपका रेडियस ये एक्चुअली नॉर्मल होता है ये पॉइंट पे इसीलिए ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट्स ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चलो मैं इसको और डीप में लगाता हूँ अच्छा ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छा वो दोनों तो इक्वल होंगे आई इक्वल टू आर इसीलिए मैं इसको थिट्टा ले लेता हूँ अगर ये थिट्टा तो ये भी होगा थिट्टा हाँ बोलो समझ में आ रहा है अच्छा अगर ये थिट्टा तो आपको पता है दिस पैरेलल टू तो दिस अगर ये दोनों जितने होंगे ये तो उतना ही होगा तो इसको लिख दो टू थिट्टा आ? मैं इसको और क्लियरली बनाता हूं मैं इसको और क्लियरली बनाता हूं देखो ये हुआ आपका थिट्टा ये हुआ आपका तो ये बन गया आपका टू थिट्टा और एक चीज रिलेशन देखो ये हुआ आपका ये हुआ आपका रे ये हुआ आप और एक रे। ये दोनों पारल है अब ये ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल तो ये थिट्टा तो ये भी होगा थिट्टा बोलो समझ में आ रहा है हुँ? तो यहाँ पे कौन कौन एंगल थिट्टा हुआ ये एंगल थिट्टा हुआ ये थीटा हुआ ये भी थीटा हुआ बस ये टू हुआ। अगर इस पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाते हैं तो टैन होगा देखो ये है समझ में आ रहा है देखो ये है ऐसा है वो ऐसा है आ, अच्छा ये हुआ आपका क्या टू थीटा ये हुआ आपका थिट्टा अच्छा ये होगा परपेंडिकुलर ये होगा बेस तो परपेंडिकुलर एम डी बाई बेस एम डी बाई सी डी है दिस इज योर एम इसका नाम दिया गया एम डी एम डी बाई सी डी है दिस इज योर टेन थीटा अब यहाँ पे टेन टू थीटा क्या होगा टेन टू थीटा ये हुआ एंगल ये टू थीटा तो दिस बाई दिस होगा ना समझ में नहीं आ रहा दिस डिड बाई दिस होगा दिस देखो टैन टू थीटा इक्वल लो एम डी बाई एफ डी एम डी बाई एफ डी ये बड़ा वाला ये जो ये हुआ परपेंडिकुलर बाई ये हुआ बेस समझ में आ रहा है अच्छा और एक चीज याद रखो आपका जो थीट्टा होता है टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इन डिग्री मेजर रेडियन मेजर में आपका टैन थीटा और थीटा का वैल्यू नियरली इक्वल होता है तो इसीलिए हम ना क्या कॉन्सिडर करेंगे टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा सिमिलरली मैं टैन टू थीटा को भी क्या कर लूँगा नियरली इक्वल टू टू थीटा लूंगा समझ में आ रहा है बस उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ tan टू थीटा एक लो एम डी बाई एफ्टी हुई चीजी कॉल लो टू थिट्टा बस थीटा के जगह पे एम डी बाई सी डी को मैं पुट किया हूँ तो ये मिला मुझे एक्सप्रेशन तो ये मिला मुझे एक्सप्रेशन अब यहाँ पे अगर मैं एम डी और एम डी को काट देता हूँ क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड है तो बाकी क्या बचता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से रिलेशन मिलता है एफ डी इक्वल टू सी डी बाई टू अब एफ डी क्या होता है फोकल लेंथ एफ डी क्या होता है देखो एफ डी होता है फोकल लेंथ सी डी क्या होता है सी डी इज योर रेडियस सो हमको फाइनल फार्मूला ये निकल के आया एफ इक्वल टू आर बाई टू दिस इज योर रिलेशन बोलो इसमें समझ में आया कि नहीं ये आपका एन का डायरेक्ट डेरिवेशन है एन का डायरेक्ट डेरिवेशन है अगर इसमें समझ में नहीं आता यू कैन टेल ऑल्सो हमें एक शॉर्ट्स में इसको समझा दूंगा आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी दिस इज योर वन शॉर्ट नेक्स्ट इज योर मिरर इक्वेशन देखो मिरर इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन फाइव मार्क्स डेरिवेशन यू कैन गेट आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किससे मिरर इक्वेशन को डेरी डिराइव करने के लिए दिस इज द इक्वेशन इन द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज डिस्टेंस बी एंड फोकल लेंथ एफ तो तो किन तीनों का रिलेशन यू भी और एफ ये तीनों का रिलेशन को ही मिरर इक्वेशन कहता है क्लास टेंथ में ऑलरेडी पढ़े थे आप वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई बी यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस रिलेशन बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा इसको ना डिराइव कर रहे हैं हम तब तो छोटे थे मैं बोला अभी हम बड़े हो गए अब हम इसको डिराइव करके निकालेंगे देखो कैसे डिराइव करेंगे इसको डिराइव करने के लिए आपको ना पहले इमेज को फोकस करना इमेज फॉर्मेशन को फोकस करना पड़ेगा देखो यहाँ पर क्या किया गया पहले ना इमेज लिया गया है कॉन्वेक्स कॉन्केव मिररर कॉन्केव मिररर में हाँ देखो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ये था कॉन्केव मिररर फिर मैं क्या क्या हूँ प्रिंसिपल एक्सिस को लिया हूँ इसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाया गया मैं बोला था ऑब्जेक्ट ऑलवेज एट लेफ्ट हमेशा सा लेफ्ट साइड में रहेंगे तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हूँ हाँ सपोज इसको मैं फोकल लेंथ लिया हूँ इसको मैं सेंटर लिया हूँ और सेंटर्स बियॉन्ड सेंटर में मैं क्या क्यों एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हूँ हाँ आपको क्या करना है ना एनी टू आप ले सकते हो जे कोई भी मान लो मैं दो रेज लेता हूँ ये एक रेज लेता हूँ पारलाल आप बोलो अगर कोई रे पारलाल होगा तो वो कैसे जाएगा अगर रे पारलाल हो तो कैसे जाएगा वो फुक देके जाएगा रे अगर पारा है तो वो कैसे जाएगा फुक देके जाएगा अच्छा रे अगर वो पोल पे होगा तो रे अगर पोल पे होगा तो वो कैसे जाएगा वो ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बना के वो चले जाएंगे जहां पे वो दोनों मीट करेंगे बस इसी को आप ड्रॉ कर दो बस इसी को आप ड्रॉ कर दो आपके पास जो इब, अब जो जो बना अब इसके नाम ले जाओ आप ए ए बी अब इसके नाम ले जाओ एडियस बी डी अब ये हुआ ऑब्जेक्ट ए बी हो गया ऑब्जेक्ट ए डेस बी डी हो गया इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा ये है मैं बोला ना इमेज क्या होता है जहाँ पे रे मीट करते हैं रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करते हैं उसी को ही हम इमेज कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करते हैं उसी को हम उसी को हम क्या कहते हैं इमेज कहते हैं देखो अब यहां पर हमारे पास देखो क्या क्या बना है एक है मैं अलग कलर से करता हूं ये एक बना है सो so, ट्रायंगल क्या बना ए बी पहले नाम दे देते हैं मान लो इसको मैं पी देता हूं हा इसको पी ए बी इस इसका तो नाम तो हो गया एप इसका नाम हो गया एप इसका नाम हो गया ए डी एस इसका नाम हो गया सी ठीक ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल ए बी पी और एक ट्रायंगल ए डैस बी डैस पी ए डैस बी डैश पी देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर कहूंगा आप पूछोगे सर क्यों कहूंगा देखो ये हुआ परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये दोनों अगर दो एंगल समान है अभी हमारा तीसरा एंगल तो अब समान होगा तो ए ए रूल के हिसाब से ये दोनों होंगे सिमिलर क्लास क्लास टेंथ में डिस्कस सिमिलरिटी ऑफ ट्रांगल बोलो समझ में आया आगे बढ़ते हैं अच्छा अगर दो ट्रांगल सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं ए डैश बी डैश मैं इसको अलग कलर में लिखता हूँ ए डैस बी डेस बाई ए बी हाइट बाई हाइट ए B बी डैस बाई ए बी मैं क्या लिख सकता हूँ बी डी एस पी बाई बी डी एस पी बाई बी पी बी डी पी बाई बी पी इसको नाम ले जाओ इक्वेशन वन इसको नाम ले जाओ इक्वेशन वन अच्छा अब देखो और दो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं इसको और एक कलर से लेता हूँ सपोज मैं इसको व्हाइट कलर से लेता हूँ हाँ देखो कौन सा कौन सा ट्रायंगल बी डी एस और एक ट्रायंगल है इसका नाम मैं क्या लेता एम एम एफ पी ठीक अब मैं इसको एक नाम लेता हूँ कौन सा कौन सा ट्रायंगल ट्रायंगल लेता हूँ ए डस बी एफ एंड ट्रायंगल एम पी एफ एम पी एफ ये दोनों भी सिमिलर होंगे आप पूछोगे सर क्यों देखो ये दोनों अपोजिट एंगल सिमिलर होंगे ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री हाँ तो ये दोनों भी ए ए से एंगल एंगल से दोनों सिमिलर होंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ ए डैस बी डैश ए डैस बी डैश बाई एम पी इक्वल टू बी डैश ए बाई पी एफ बी डैश ए बाई पी एफ बोलो समझ में आ रहा है हाइट बाई हाइट इक्वल बेस बाई बेस हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ ये एम पी का डिस्टेंस जितना होगा ए बी का डिस्टेंस तो उतना ही होगा आप पूछोगे सर क्यों बिकॉज दिस पारा टू दिस अगर ये दोनों पारालाल हैं तो ऑब्वियस बात क्या होगा ये दोनों में सेम होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ए डैश बी डैस बाई एम पी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बस एम पी के जगह पे मैं लिख देता हूँ ए बी हुई इज इक्वल टू बी डैश ए बाई एफ अब पूछोगे सर क्यों बिकॉज ए बी इक्वल टू एम पी आज दो बिकॉज दोनों लाइन रेज पारलल है तो पारलल है तो इक्वि डिस्टेंस में होंगे समझ में आ रहा है अब इसका नाम मैं इक्वेशन टू लेता हूँ हमारे पास था इक्वेशन वन अब हो गया इक्वेशन टू देखो ये दोनों में कॉमन है ए डी एस बी डी एस बाई ए बी तो मैं ये दोनों को इक्वल कर सकता हूँ चलो जल्दी जल्दी जल आगे बढ़ते हैं मैं ये दोनों को इक्वेट करता हूँ देखो सो फ्रॉम इक्वेशन मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों इक्वेशन से क्या मिला मुझे देखो मुझे मिला बी डैस पी बाई बी पी इक्वल टू बी डैश एफ बाई बी एफ बाई पी एफ है ना समझ में आ रहा है अच्छा देखो बी डैस बी एफ अच्छा यहाँ पे B डी ये छोटा डिस्टेंस तो हमको पता नहीं हम क्या कर सकता हूँ मैं ये पूरा डिस्टेंस से और ये छोटा डिस्टेंस को माइनस कर देता हूँ तो B डी एफ मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ B डी एस पी बी डी बड़ा डिस्टेंस से B डी एस से पी एफ को माइनस कर देता हूँ डिवाइड बाई पी एफ लिख देता हूँ समझ में आ गया अब इसको यहाँ पर लिखते हैं हैं हाँ मैं अपना सेक्शन बना दिया देखो अब इसको लिखता हूँ इसको लिखने से पहले मैं पहले किसी को नाम दे देता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी नाम दिया हुआ है देखो ए बी ए बी पी डिस्टेंस को यू लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को यू बोलता हूँ ठीक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब बी डे से अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को भी बोलता हूँ इमेज डिस्टेंस समझ में आ गया अब फोकस टू पोल का डिस्टेंस को पोल लिखता हूँ तो ये हुआ पोल ये हुआ आपका इमेज ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं है? अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं किसको लिख दूंगा मैं लिख दूंगा बीपी बीपी इक्वल टू माइनस यू देखो मैं माइनस क्यों यूज कर रहा हूँ कार्टेशियन साइन कार्टेशियन बोला था जो भी लेफ्ट होगा नेगेटिव में होगा राइट होगा तो पॉजिटिव में होगा सो बी पी क्या होगा माइनस यू अच्छा बी डी पी क्या होगा माइनस भी होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव में होगा लेफ्ट साइड है अच्छा और क्या है हमारे पास एफ है पी एफ को भी क्या लूँगा पी एफ को भी नेगेटिव लूंगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में पी एफ भी होगा आपका नेगेटिव समझ में आ रहा है अच्छा ए बी क्या होगा आपके पास है ए बी ए बी होगा आपका हाइट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी क्या होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा और वो पॉजिटिव में होगा बट ए डैश बी डैश क्या होगा एच डैश होगा बट नेगेटिव में होगा क्योंकि नीचे है बना है वो हाँ तो ये तीनों बस इतको इसको हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ गया मानो हाँ बस इसको हम पुट करते हैं देखो यहाँ पे पुट करता हूं मैं देखो अब मैं क्या यहां से क्या मिला मुझे बी P पी बाई बी पी बी डैस पी क्या था माइनस बी माइनस बी बाई बी पी क्या था माइनस यू डी एस पी था माइनस बी बाई बी पी था माइनस यू इक्वल टू बी डी पी क्या है बी डी पी माइनस बी माइनस पी एफ क्या है माइनस एफ डिवाइड बाई डिवाइड बाई पी एफ पी एफ क्या है माइनस एफ बस इसको पुट करो अच्छा ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे तो ये होगा भी बाई यू ये होगा भी बाई यू अच्छा माइनस इक्वल टू ये नेगेटिव ऊपर ले जाओ ये नेगेटिव इसको माइनस कॉमन ले जाओ और एक स्टेप होगा माइनस भी प्लस एफ बाई माइनस एफ हुई चीज़ इक्वल टू माइनस ऊपर चला जाएगा तो वो क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो एफ माइनस भी बाई एफ हाँ अच्छा देखो ये जो नेगेटिव ऊपर गया नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया समझ में नहीं नहीं हुआ, हुआ, उल्टा हुआ उल्टा हुआ देखो ऊपर जाने से भी हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर जाएगा तो क्या होगा भी माइनस एप भी माइनस एप बाई एप ठीक विच इज इक्वल टू दिस अब इसको देखो पुट करते हैं हम हा? और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इंटू एफ लिख दो भी एफ हाँ यू इंटू भी यू भी यू इंटू एफ माइनस यू एफ बोलो यहां तक समझ में आ गया अगर यहां तक समझ में आ गया तो हो गया जानो हाँ अब मेरा रिक्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा देखो क्या करो डिवाइडिंग डिवाइडिंग यू भी एफ यू भी एफ बोथ साइड्स दोनों तरफ बस यू भी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे देखो एफ बाई यू भी एफ इक्वल टू यू भी यू भी बाई यू एफ माइनस यू एफ बाई यू एफ देखो क्या मिला भी काट दो भी काट दो एफ काट दो एफ काट दो बचा कौन वन बाई यू इक्वल टू यू काट दो यू काट दो भी काट दो भी काट दो वन बाई एफ बचा अच्छा यू काट दो यू काट दो एफ काट दो एफ काट दो बचा कौन वन बाई भी बस भी को इस तरफ ले आओ दैट इम्प्लाईज वन बाई यू प्लस वन बाई भी इक्वल टू वन बाई एफ आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला यही तो था वो मिरर इक्वेशन बहुत बड़ा डेरिवेशन था इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आने वाला है श्योर शॉट डेरिवेशन आपको डेरिवेशन आने वाला है डिराइव द मीर इक्वेशन जल्दी जल्दी इसको नोट कर दो स्क्रीनशॉट ले जाओ कहीं भी डाउट होता है यू क्या नास्क में आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी और और थोड़े से में ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक अच्छा अब अब हमको मैग्निफिकेशन क्या होता है अच्छा अभी अभी हमको मिला था क्या मिला था ए डैश बी बी डैश बाई ए बी हाँ देखो क्या मिला था ए डैश बी डैश बाई ए बी देखो क्या मिला था हमारे पास ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू यहाँ पे बी डैश पी बाई बी पी ए डैस बी डी बाई ए बी आपके पास देखो ए डी एस बी डी बाई ए बी इक्वल टू बी डी एस पी बाई बी पी बी डी पी बाई बी पी हाँ पहले फिर वैल्यू पुट कर दो बस इस जगह पे वैल्यू पुट कर दो हाँ ए डैस बी डी क्या है और इमेज डिस्टेंस ए डी बी डी क्या है इमेज डिस्टेंस तो माइनस एच डी एस पूछोगे सर माइनस एच डी क्यों माइनस एच डैस इसीलिए बिकॉज ये नीचे है तो माइनस ये होगा माइनस एच ये होगा प्लस एच ऊपर है तो माइनस एच डैस बाई एच बी डैस पी क्या होगा बी डैस पी होगा आपका इमेज डिस्टेंस वो भी होगा माइनस भी बी पी क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू हम्म, अब यहाँ से वैल्यू कटने से क्या मिलेगा एच डैस बाई एच इक्वल टू माइनस भी बाई यू विच इज कॉल्ड योर मैग्निफिकेशन अब इसको मैग्निफिकेशन को कैसे अब डिफाइन करोगे इट इज द एक्सटेंड टू हिच इमेज इज मैग्निफाइड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अब इमेज बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका मैग्निफाइड हो रहा है दैट इज योर मैग्निफिकेशन हुई इज कॉल्ड एम इक्वल कॉल्ड एच डी एस बाई एच और माइनस बी बाई यू दिस इज द रिलेशन हो गया खत्म आपका टॉपिक चैप्टर कंप्लीट योर रिफ्लेक्शन चैप्टर कंप्लीट बस आपको कुछ केसेस को ध्यान में रखना है देखो क्या क्या केसेस में आपका एम इक्वल टू वन कब होगा एम ग्रेटर देन वन कब होगा एम लेस देन वन कब होगा एम पॉजिटिव कब होगा एम नेगेटिव कब होगा एम प्लस वन कब होगा एम माइनस वन का कब होगा बस कुछ केसेस को ध्यान रखना देखो एम इक्वल टू वन कब होगा जब इमेज इक्वल टू योर ऑब्जेक्ट जब सेम साइज होगा तो इक्वल भी होंगे बिकॉज इमेज बाई ऑब्जेक्ट तो कर रहे हैं ग्रेटर देन वन कब होगा जब इमेज बड़ा हो रहा है जब इमेज बड़ा हो रहा है ऑब्जेक्ट से तब तो उसको ग्रेटर देन वन कहेंगे एम लेस देन वन कब होगा जब इमेज छोटा हो रहा है डिमिंस हो रहा है सिमिलरली आपको मैं कैसे देता हूँ कब होगा एम नेगेटिव कब होगा एम प्लस वन कब होगा एम माइनस वन दिस इज योर असाइनमेंट यू नीड टू आपके पास मैं दो असाइनमेंट दिया हूं क्या क्या दो असाइनमेंट एक तो दिया हूं इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन आप करके दोगे इमेज आई एम ए जी इमेज फॉर्मेशन करके दोगे कॉनकेब का करके दोगे कॉनकेव दूसरा करके दोगे कॉन्वेक्स का सेकेंड क्या करोगे आप मैग्निफिकेशन का ये दो असाइनमेंट करके दोगे हाँ दिस इज योर असाइनमेंट ये आप करोगे और मुझे आप भेजोगे आगे बढ़ते हैं बाकी न्यूमेरिकल्स हम और एक डेडिकेटेड टॉपिक करेंगे और एक डेडिकेटेड क्लास uh, करेंगे जहाँ पे हम इत, हमारे पास तीन फार्मूला जाया फ्रॉम आप, आपको प्लेन मिरर से दो फार्मूला मिला स्पेरिकल मिरर से आपको क्या मिला तीन फार्मूला एक होता है आर इक्वल टू टू टाइम्स फोकल लेंथ दूसरा आपको मिला वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू तीसरा फार्मूला आपको मिला मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच बाई एच और माइनस वी बाई यू बस ये तीनों का खेल बना के नया नया फॉर्मूला पूछ सकता है मैग्निफिकेशन को देखे आपको यू भी पूछ सकता है एच पूछ सकता है एफ दे देगा भी दे देगा मैग्निफिकेशन दे देगा ऐसे दे दे आपको कुछ भी मैनिपुलेट करके क्वेश्चन दे सकता है हम एक और डेडिकेटेड क्वेश्चन क्लासेस सेशन करेंगे जहाँ पे पूरा सबको डिस्कशन करेंगे इसके साथ मैं टॉपिक को एंड करना चाहूँगा आपको कोई भी डाउट है मैं क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करूँगा आप कमेंट करो आप हमारे साथ जुड़े रहो और जो भी असाइनमेंट दिया जाता है आप प्रोमिस कि आप उसको सेंड करोगे अगर नहीं करोगे यू कैन ड्रॉप द क्लासेस सन नो नीड टू आप अब खाली देखने से नहीं होगा आपको असाइनमेंट करना है और और मुझे भेजना है आई विल चेक दोज असाइनमेंट उसके साथ एंड करते हैं थैंक यू सो मच